नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज भी जो है आरसीबी टीम से जुड़ी कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूं। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोज़ाना अपडेट्स आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचती रहे। वहीं दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आरसीबी को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जाकर ज्वाइन कर दीजिए। वहां पर भी आप सभी को आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक अपडेट्स मिलती रहती हैं। बाई चांस आरसीबी टीम से जुड़ी अपडेट्स नहीं भी आती हैं तो वहां पर आपको क्रिकेट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है मिलती रहेंगी। तो भाइयों, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ माई इलेवन सर्कल के ऊपर 1 करोड़ जीतने का मौका। हाल ही में दोस्तों मैंने माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड किया है, जो कि आपको भी ज़रूर करना चाहिए। इस ऐप की खास बात यह है कि यहाँ पे आप चैंपियन क्रिकेटर्स जैसे कि BVS लक्ष्मण और सौरभ गांगुली जैसे खिलाड़ियों के साथ हेड टू हेड खेल सकते हो। यहाँ पर खेलना बहुत ही आसान है। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को मिला करके आपको खुद की एक टीम बनानी है। तो इंग्लैंड और इंडिया के बीच में ODI मैचेस चल रहे हैं, माई इलेवन सर्कल पर हो रहा है, और मार्च महीने के लीडर बोर्ड का प्राइस जो है दोस्तों 1 करोड़ रुपये रखा गया है। वहीं मेरा भरोसा कीजिए, अगर आपकी टीम ने लक्ष्मण की टीम को बीट कर दिया तो आपको 1 या 2 नहीं बल्कि 5 गुना ज़्यादा कैश मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 1500 रुपये का वेलकम बोनस भी मिलेगा। वहीं हमारे सभी व्यूअर्स को उनके पहले डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा कैश दिया जाएगा। आपके जीते हुए पैसे सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी सेफ़ और सिक्योर है। वहीं दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हाल ही में कई लोगों ने करोड़ों रुपये जीते हैं। तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, फटाफट जाकर इस ऐप को डाउनलोड करो और अपनी टीम बनाओ। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। बात करें यहाँ पर पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट आ रही है दोस्तों विराट कोहली की ओपनिंग करने को लेकर, जिसे लेकर माइक हेसन ने भी ये क्लियर कर दिया है कि अब जो है पर्डेगल के साथ में कोहली ही ओपनिंग करने वाले हैं। IPL 2021 की तैयारियाँ जोरों पर हैं, सभी टीमें तैयारियों में जुटी हुई हैं। IPL 14 का पहला मैच जो है 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और RCB टीम के बीच में खेला जाएगा। ये मैच चेन्नई में होने वाला है। इस बीच विराट कोहली की कप्तानी वाली RCB टीम के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब साफ हो गया है कि RCB टीम के लिए इस बार कप्तान विराट कोहली ही ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। विराट कोहली के साथ दूसरे ओपनर बल्लेबाज पड्डिकल होंगे। IPL 2020 में RCB की टीम प्लेऑफ तक पहुंची थी, लेकिन टीम एक समस्या से पूरे IPL में जूझती रही थी, वो थी टीम की ओपनिंग जोड़ी। वैसे तो टीम के पास एक सलामी बल्लेबाज पड्डिकल थे, उनके जोड़ीदार के तौर पर ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान अरुण फिंच भी थे, लेकिन पूरे IPL में फिंच जो है एक भी मैच में नहीं चल पाया, उनका बल्ला जो है उस तरह से नहीं चला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने कुछ मैचों में अरुण फिंच को बाहर बिठाया, उनकी जगह पर जोशुआ फिलिप से भी ओपनिंग करवाई। फिलिप ने अरुण फिंच से तो अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वे भी बड़े पारी खेलने में नाकाम रहे। अब RCB टीम मैनेजमेंट ने तय किया है कि पड्डिकल के साथ खुद कप्तान विराट कोहली जो है ओपन करेंगे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5 मैचों की T20 सीरीज में भी विराट कोहली ने आखिरी मैच में रोहित शर्मा के साथ जो है टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की थी। इस मैच में विराट ने 52 गेंदों में 80 रन की शानदार पारी भी खेली थी, यानी वे पहले ही ओवर से आए और आखिर में नाबाद लौटे। इसके बाद उन्होंने मैच प्रेजेंटेशन में ये कंफर्म कर दिया कि मैं ही RCB टीम के लिए IPL में यानी ओपनिंग करने वाला हूँ। तो भाइयों, इसीलिए जब टीम ने अरुण फिंच को IPL 2021 के ऑक्शन से पहले रिलीज़ किया तो ऑक्शन में किसी भी ओपनर को लेने की रुचि नहीं दिखाई। विराट कोहली की ओपनिंग के बारे में पुष्टि करते हुए RCB के कोच माइक हिसन ने कहा है कि इस बारे में कप्तान विराट कोहली से ऑक्शन से पहले ही बात हुई थी, ये सारी चीज़ें हमारे एक्शन प्लान में शामिल था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। विराट कोहली और पड्डिकल जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है और यही ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे हमें IPL 2021 में। तो भाइयों, RCB टीम के सभी फैंस के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जहां पर विराट कोहली के बाद अब कोच ने भी ये क्लियर कर दिया है कि कोहली ही पड्डिकल के साथ में हमें ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करें दूसरी अपडेट की, तो भाइयों दूसरी अपडेट आ रही है यहाँ पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को लेकर, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है अपने इंटरव्यू में। दोस्तों घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद IPL के 14वें सीजन की नीलामी के दौरान RCB फ्रेंचाइजी में शामिल हुए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में खेलने और उनसे सीखने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में अजहरुद्दीन ने कहा है कि RCB मेरी पसंदीदा टीम है, विराट भाई की कप्तानी में खेलना मेरे लिए बेहद खास होगा, विराट भाई मेरे आदर्श है, उनकी कप्तानी में खेलना सपना सच होने जैसा है, ये अब भी सपने जैसा लग रहा है, मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम में शेयर करने वाला हूँ, बल्लेबाजी टिप्स और फिटनेस टिप्स लेने के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ।
कोहली की आरसीबी टीम ने 14 सीजन की नीलामी के दौरान अजहरुद्दीन को 20 लाख के बेस प्राइस में अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया था। अजहरुद्दीन ने बताया कि नीलामी के दौरान वो अपने साथी और केरल के एक शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ थे। उस दिन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं VHT के लिए अभ्यास करके लौटा था। संजू और निघेश मेरे साथ बैठकर नीलामी देख रहे थे। जब मेरा नाम लिया गया तो मैं काफ़ी नर्वस था। मैं इस साल IPL खेलना चाहता था क्योंकि मेरा घरेलू सीजन बेहद शानदार था। अजहरुद्दीन ने आगे कहा कि संजू ने मेरे चेहरे पर टेंशन देखी और कहा, शांत रहो भाई, सब ठीक होगा, तुमने अच्छा काम किया है। एक बार RCB ने मुझे चुन लिया तो संजू ने ताली बजाना शुरू कर दिया और सभी ने मिलकर जश्न मनाया। तो दोस्तों, यहाँ पर अजहरुद्दीन ने काफ़ी बड़ा बयान दिया विराट कोहली के अंडर खेलने को लेकर, जो कि काफ़ी उत्साहित हैं। इसके बाद भाइयों बात करें तीसरी अपडेट की, तो भाइयों तीसरी अपडेट आ रही है यहाँ पर RCB टीम के बैटिंग लाइनअप को लेकर, जहाँ पर दोस्तों अगर विराट कोहली ओपन करने वाले हैं तो फिर RCB टीम की बैटिंग लाइनअप जो है पूरी तरह से हमें चेंज होती हुई दिखाई देने वाली है। अब हमें टॉप ऑर्डर में पर्टिकल और कोहली जो है ओपनिंग करेंगे, तो टॉप ऑर्डर में ये हो जाएंगे। हालांकि तीन पर कौन खेलेगा ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है, मगर दोस्तों चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ABD को टीम मौका देने वाली, क्योंकि वो जितना ज़्यादा समय क्रीज पर बिताएंगे टीम के लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, उतना ज़्यादा वो गेंदें खेलेंगे और उतने ज़्यादा वो रन्स बनाएंगे। इसलिए भाइयों तीन पर हो सकता है कि हमें ABD खेलते हुए दिखाई दे। वहीं दोस्तों चार पर जो है मैक्सवेल खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद पाँच पर या फिर छः पर डेनियल सैम्स हो जाएंगे और पाँच पर यहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम से कोई युवा खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दे सकता है, जैसे कि सचिन बेबी हो गए या फिर अजहरुद्दीन हो गए या फिर वहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों रजत पाटीदार। इन सभी खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि इस बार की बैटिंग लाइनअप जो है RCB टीम की कैसी होने वाली है। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वहीं दोस्तों अगर अभी तक आपने My11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, फटाफट जाकर ऐप को डाउनलोड करो और अपनी टीम बनाइए, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है आप सभी के पास 1 करोड़ जीतने का मौका है मार्च महीने में। तो भाइयों फटाफट जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए।